सरकार का पुतला फूंका। राज्य का किसान कभी शीतलहार, ओलावृष्टि, टिड्डी दल हमला, कोरोना महामारी के तहत कर्फ्यू व लॉकडाउन के कारण फसल नहीं बिकने से पहले ही हताश था। वहीं आम जनता व व्यापारी वर्ग पिछले 50 दिनों से व्यापार बंद होने से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जहां आम जनता व व्यापारी राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज व प्रोत्साहन हेतु उम्मीद लगाए हुए थे, वहीं राज्य सरकार ने आम जनता पर महंगाई का बोझ डालते हुए कृषि उत्पादों सरसों, चना, गेहूं व बाजरा, फल सब्जी पर 2% अतिरिक्त किसान कल्याण कोष के नाम पर मंडी शुल्क बढ़ाकर व पेट्रोल डीजल पर लॉकडाउन की अवधि में 2 बार 6% वेट बढ़ाकर पहले से आर्थिक संकट झेल रहे आम जनता की कमर तोड़ दी है। हाल ही में राजस्थान में नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं ने आम जनता को झंझोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। 2 बार गुंडा की भी लेंगे। आज हमने राजस्थान सरकार का पुतला फूंका है और इस कार्यक्रम में हमने लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन किया है। इस कोरोना संकट के समय राज्य सरकार होश में नहीं है, एक कुंभकर्णी नींद में काम कर रही है। जहां एक ओर इस समय आम जनता को सरकारी सहायता और आर्थिक प्रोत्साहन के उपायों की आवश्यकता है, ये कुंभकर्णी सरकार जनता पर अत्यधिक कर डालकर, हम देखें कि मंडी कर 2% बढ़ा दिया गया, साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों में भी वेट में भी 6% की वृद्धि की गई। ये इस महंगाई के समय में आम जनता की कमर तोड़ने का काम राजस्थान सरकार कर रही है।